डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं हूं मंजू नेगी, भगवान बद्री विशाल के पावन भूमि चमोली गढ़वा से। तो चले फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहाड़ों के इन हसीन वादियों के बीच से आज का एक और नया ब्लॉग। तो आजकल पहाड़ों में मौसम की बात करें तो मौसम कई दिनों से आजकल वैसे ही बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को आज का मौसम दिखा देती हूँ। आज का मौसम यहाँ कुछ इस तरह से है। तो चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, यानी एक प्रकार की धुंध जैसी लगी हुई है, और आसमान भी चारों तरफ से बादलों से ढका हुआ है। तो बीच में है सिर्फ आसमान खाली, यानी साफ हो रखा। तो धूप भी ना यहाँ सुबह से थी नहीं, लेकिन अभी हल्की सी धूप भी निकल गई है। तो देखते हैं थोड़ी देर तक, यानी शाम तक, मौसम यहाँ कैसा रहता है। अभी शाम के करीब 5 बज चुकी है। तो आज भी ना वीडियो मैं अभी से बना पा रही हूँ। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो उस वजह से मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो आज भी हम गए थे झंगोरों की लवाई करने के लिए। तो आज हमारा लास्ट बचा था झंगोरों की लवाई करने के लिए, और यानी एक खेत पूरा एक आधा बचा हुआ था। तो आज आई थी हमारे साथ में भाभी जी। तो आज भाभी जी आए तो हमने वो लवाई कंप्लीट कर दी है, और अब सिर्फ लगाने के लिए बचा हुआ है, क्योंकि जो झंगोरा का घास है ना वो हमने अभी सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो अभी जब वो अच्छी तरह से सूख जाएंगे फिर लगाएंगे उनको 2-4 दिन बाद। फिलहाल तो लवाई का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को मैं अपना आज का दिनचर्या दिखा देती हूँ। तो आज दिन में मैंने क्या क्या किया, कौन कौन से काम किए, और उसके बारे में फटाफट से आप लोगों को दिखा देती हूँ, और आप लोग भी ना उन चीज़ों का आनंद लीजिए। और अभी हम जा रहे हैं खेत में लवाई करने के लिए। तो मेरे साथ में आ रहे हैं सबसे पहले जब्बू और जोजो, और यहाँ पे जोजो ना जब्बू के साथ लड़ने भी लग गया है। पता नहीं उसको क्या गुस्सा आ रहा जब्बू के साथ में। चलो चलो, और यहाँ पे आजकल ना आधे से ज्यादा खेत ना खाली हो गए हैं, क्योंकि लगभग अब लवाई मंडाई का काम थोड़ा ही बचा हुआ है। और वहाँ नीचे ताई जी पता नहीं कब आए, कब है किसान। ओ अच्छा, वहाँ नीचे से ताई जी बोले हैं जो तू लवाई मंडाई कर रही और उसकी वीडियो बना, और जैसे पेड़ में लगाते हैं उसको भी दिखा। तो ओए अबू, और यहाँ पे भाभी जी कई दिनों बाद मिली है मुझे, क्योंकि भाभी जी भी ना लवाई मंडाई में व्यस्त हो रखी थी। तो आज भाभी तो कई दिनों बाद आज मिली, मुलाकात हुई। तो अब देखते हैं यहाँ पे गली, हमारा लास्ट खेत बचा हुआ है लवाई करने के लिए। तो अभी हमने नीचे की लवाई कर दी है, यानी नीचे वाले खेत की। अब आगे हम ऊपर वाले खेत में। तो यहाँ पे मेरी मम्मी और मेरे भाभी जी आ रखे हैं आज हमारे साथ लवाई करने के लिए। तो भाभी जी ने अपना लवाई मंडाई कर दी है, और ये घास भी लगा के फिट फोर कर दिया है, और आज हमारे साथ में आ रखी है। तो आज हमारा लवाई कंप्लीट हो जाएगा, और फिर लगाने का काम बचेगा। तो इसको हम ना सुखा के बचाएंगे। तो हो सके तो आप लोग आ जाना लगाने, भाभी जी कह रही है आप लोग आ जाना ये नट लगाने। तो सुबह में तो पूरे बादल छा रखे थे, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, बादल ही बादल। और अभी ना थोड़ी सी धूप लग गई है, तो फिर से धूप। मीठे मीठे
मिठाई दन मिल ठोन। अरे वाह, अभी हमने यहाँ पे पूरी लवाई कर दी है और अब जाने लग गए हम घर। तो यहाँ पे अभी मम्मी और भाभी जी लगा रहे हैं घास और कट्टे की भारी, और यहाँ पे ये कंडी और वो कट्टा, ये दोनों ले जाने हैं मैंने, और उस कट्टे को मैंने डालने हैं इस कंडी में, और मैं जाऊंगी नीचे वाले खेत से और ये जाएंगे ऊपर वाले खेत से, क्योंकि इन्होंने घास रखना है ऊपर वाले गौशाला में। और अब चलते हैं हम सीधा घर, क्योंकि अभी खाना भी बनाना है। और ये नीचे वाले खेत में लगा रखे हैं आलू, तो जो ये धोती लगा रखे हैं ये कर रखी है बाड़, यानी एक तरफ से सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो शाही जानवर होता है ना, तो उसने यहाँ बर्बाद कर दिया था आलू खा करके, तो जिसे हमारे पहाड़ में बोलते हैं सोलो, तो सोलो ने ना यहाँ पूरे आलू खा दिए थे, और सुअर तो इस बार कम ही आया आलू के खेतों में, तो इस बार सिर्फ शाही जानवर था यानी सोला, तो इसलिए लोगों ने ना ये धोती टांग रखी है यानी लगा रखी है, तो इसकी वजह से ना थोड़ा वो जानवर ना कम आता है इसके डर से। तुम दूल्हे तक लगे लो, मैं अब लगून उठाए जल। हाँ अभी मैंने यहाँ पे ये कट्टा डाल दिया है कंडी में उल्टे में, क्योंकि हम ना एक जूड़ा यानी एक रस्सी भूल गए थे, तो अभी हमको ना ये ऐसे ले जाना पड़ रहा, तो अब मैं इसको उठाती हूँ, देखती हूँ कहीं आगे तो नहीं गिरेगा ऊपर वाला कट्टा। मैं यहाँ पे कंडी उठा रही थी तो मेरी कंडी ना सीधा इधर साइड गिर गई है, यानी इसका बैलेंस नहीं बन पाया ढंग से, तो मम्मी भाभी भी चली गई हैं, और अब मैं फिर से इसको उठाने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि दुनिया भर के ये प्लास्टिक की पन्नी और कपड़े साड़ी लगा रखे हैं, तो ये सारे आलू के लिए लगा रखे हैं, यानी आलू की बाड़ कर रखी है, तो इसकी वजह से ना जो शाही जानवर होता है यानी सोला, तो ये ना इनके डर से थोड़ा कम आता है, तो इसलिए ना हमारे पहाड़ों में इसको लगाया जाता है, और इसको हमारे पहाड़ में बोलते हैं डरोने। तो ये हमने डरोने बना रखा है यानी डराने के लिए, डरोने मतलब डराने के लिए। इस वाले खेत में पूरे बो रखे थे धान, तो धान ना इस बार ये छोटे छोटे हो रखे हैं, उतने ज़्यादा नहीं बढ़ रखे हैं, तो ये बीच बीच में इनकी लवाई कर रखी है, क्योंकि बीच बीच के ये पक गए थे और जो ये छूट गए हैं ये अभी थोड़ा कच्चे हो रखे हैं, तो इनकी लवाई ना अब दो चार दिन में करेंगे, और थोड़ा इस साइड छूट रखा था लवाई करने के लिए, थोड़ा इस साइड ये भाभी ये छूट रखे हैं इतना। अभी मैंने आप लोगों को अपनी आज की वीडियो भी दिखा दी है, तो आज के हमारा दिनचर्या कैसा रहा, तो अभी मैंने ना बहुत सारे काम करने हैं, तो सबसे पहले मेरे हो रखे हैं अभी बहुत सारे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि आजकल ना कपड़े धोने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो कई दिनों से हम खेतों में बिजी थे, तो इसलिए कपड़े धोने का टाइम नहीं मिला, तो आज ना थोड़ा लवाई हो चुकी है, तो घास के लिए अभी मेरी मम्मी गई है, तो सबसे पहले मैंने अभी कपड़ों की धुलाई करनी है, और उसके बाद है मेरा मट्ठा बनाने के लिए, तो उसके बाद मैंने बनाना है मट्ठा। और अभी तो फिलहाल मैं अपने छत में आ रखी हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी फटाफट से चलते हैं और अपना काम निपटा देते हैं। और एक बात ना, आज पता क्या हुआ,
बादलों की ओढ़ते ओढ़नी वादियाँ, गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तरा। आज ना हमारे पड़ोसियों के घर में ना सांप घुस रहा था, और वो भी ना उसने चूहा पकड़ रखा था। तो चूहा भी छोटा नहीं था, काफी बड़ा था, और उस चूहे को लेके ना वो पता कहाँ जा रहा था, अंदर घुस रहा था, वहाँ थोड़ा सा छेद हो रखा है, तो वो उस रास्ते ना अंदर जा रहा था। तो और तब तक ना उसको किसी ने देख लिया है, तो आप लोगों को भी ना मैं उसकी वीडियो दिखा देती हूँ, क्योंकि मैंने ना डर डर के ना थोड़ा बहुत जितना भी हुआ उसकी वीडियो बना ली। मार मकान के अंदर घुस गया। वहाँ पे खतरनाक सांप जा रखा है, और उसने पकड़ रखा है चूहा, और दादी ने उसको आधा मार मार के मकान के अंदर घुस रहा था यहाँ से, और साथ में मुंह पे ला रखा था उसने एक चूहा। अभी जरा इसे प्राण गदगद बेटा। बाप रे, इतना भयंकर सांप है वहाँ पे, और अंदर जा रखा था ये, और वहां से लाए ये चूहा पकड़ के। ए दादी अभी घबराएंगे पुछड़ी। और उसकी पूंछ ना अभी भी हिल रही है, और ऊपर साइड पूरा ये मर गया। और दादी जी ने उसको जबरदस्त खींच के बाहर निकाल दिया, और उसकी खूब धुनाई कर दी। तेरी वीडियो बादलों की ओर से बती मूस खाई बेटा। आजकल ना कई दिनों से ना हमारे चारों तरफ की जो पहाड़ियां हैं उन पे धुंध ही धुंध लगी हुई है, तो आजकल ना कई दिनों से वो पहाड़ियां ना साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग भी देख सकते होंगे कि यहाँ पे ना आसपास का जो नजारा है तो वो कितनी धुंध यानी साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड। बादलों की ओढ़ते ओढ़।